हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच लाइफस्टाइल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चटपटी मज़ेदार भंडारे वाली आलू की सब्जी, जो कि आपने भंडारे में खाई होगी और मोस्टली हम फेस्टिवल्स में बनाते हैं। ये मेरी मॉम की रेसिपी है, इसको हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने बॉइल्ड आलू लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा मैश करके रख लिया है। एक कढ़ाई में 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल गरम करने रख देंगे। आप किसी और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे कुछ टमाटर, हरी मिर्च और एक छोटा अदरक का टुकड़ा जिसका हम फाइन पीस बना के रख लेंगे। अब कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, स्टार और दालचीनी। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। आप यहाँ पे कुछ लौंग और काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे, इसका सारा मॉइस्चर ना निकल जाए। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए, हमारी प्यूरी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। इसको स्टिर कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1.5 स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, वन एंड हाफ स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। आप यहाँ पर लाल देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा उससे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। आप ग्रेवी की थिकनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम ग्रेवी में डालेंगे पोटैटोज जो हमने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को ढककर हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। अब मैं ग्रेवी में आमचूर पाउडर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टमाटर खट्टे नहीं थे। ये ग्रेवी में बहुत ही चटपटा स्वाद देगा। अब हम मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। ये देखिए,
हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, ये एकदम तैयार है चटपटी मज़ेदार आलू की सब्ज़ी। इसमें हम धनिया ऐड कर लेंगे, आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं किया है, वो अच्छा फ्लेवर देगी, एज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी कसूरी मेथी। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं गरम गरम पूरी और पराठों के साथ।